हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है वो शाम से स्टार्ट हो रहा है गाइस। कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इनकी भी ठीक नहीं थी, तो कुछ ब्लॉग बनाने का दिल नहीं किया। तो हेवा का फोन आया कि दीदी शाम को मेरे से तिलक नगर चलोगे? मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं है। कहती चलो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, घर में बैठे बैठे आपको ऐसे लग रहा है तो आप चलो अपनी दवाई खा ली। मैंने कहा हाँ मैंने दवाई खा ली। कहती चलो, तो मैंने चीना को कहा, मैं कहा चीना चलो मैं चली जाती हूँ, तूने चलना है? कहती नहीं आप मासी के साथ चले जाओ। तो कल सुबह सुबह आज मैंने बनाई थी दाल और रोटी फुलके और सलाद वगैरह करके मैंने सब अरमान जी को भेज दिया था, संदीप को खाना वगैरह उनको, क्योंकि बाहर का नहीं खाते खाना, तो उनको खाना भेज दिया था। तो पोटर किया था, पोटर फटाफट उनका 10 मिनट का रास्ता है, वो जाके दे आया था वहाँ पर। तो उन्होंने खाना वाना खा लिया, शाम को जाना है इवेंट पे। गोलू, पायल, चीना सब ने इवेंट पे जाना था, तो चीना की तो सारी की सारी जो इच्छाएं थी वो धरी की धरी रह गई। मतलब चीना गई नहीं, तो उसने बोला था गोलू ने कि तू चली जा, जीजू वगैरह जा रहे हैं, तो वो है क्या नाम, सूरज है, मनदीप है। वो कहती नहीं मैं भाई गोलू वगैरह पायल होते तो अच्छा लगता बहनों के साथ, तो मैं क्या करूँगी, जीजू कितनी बात मुझसे कर लेंगे, तो मैं नहीं जा रही। कहती मुझे अंदर से शक लग रहा था कि मैं नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी। होता है ना कई बार दिमाग में होता है कि लगता है इंसान को, तो कोई बात नहीं, बस अब मैं तैयार हो गई हूँ, मैं शॉप पे जा रही हूँ, तो हेमा वही शॉप पे आ रही है, तो वहीं मिलते हैं। हेमा को वही मिलती हूँ और चलते हैं तिलक नगर। मैं तिलक नगर जा रही हूँ अच्छा। हेमा मासी के साथ, वैसे तो चीना दीदी है घर अच्छा। तो ऊपर वो रौनक भी है नीचे, मगर इन दोनों का ध्यान रखियो है ओके। क्या बोल रही, इन दोनों का ध्यान रखियो ओके। पता कई बार क्या होता है, भोंकती रहती है बाहर, कोई डॉगी आ जाए कुछ आ जाए, तो थोड़ा ध्यान रखियो खाने पीने का, थोड़ा बिस्किट जैसे दे रहा है ना ऐसा देता है ताकि कमरे में बैठे रहे, ठीक है? चल बाय, मैं जा रही हूँ। और तेरा आज पेपर था? नहीं मेरा कब है पेपर? ट्यूसडे को है। चलो कोई बात नहीं, तैयारी रखो बस। अब कौन सी क्लास में जाएगा बेटा ये भी भूल? सहमत है। चलो भगवान करे तरक्की करो, बड़ी बड़े बड़े अच्छे अच्छे पढ़ाई करो और बड़े बड़े डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ठीक है ना? या यूट्यूबर बनना है? यूट्यूबर बनना, ठीक है ठीक है। मांग रही है तेरे से बिस्किट, मांग रही है, दे दे भाई से बिस्किट मांग रही है। और निकाल दे डब्बे में ना, और पड़े हैं, मैंने थोड़े थोड़े निकाल देती हूँ, फिर सिल जाते हैं सारे, और डब्बे में से निकाल के, ठीक है? बस अभी हम अपनी शॉप पे आए हैं, हमारी एक फेवरेट शॉप है जो हमने पकड़ रखी है, कहीं भी नहीं जाते, रिक्शा पकड़ते हैं और यही आते हैं, हमें रेट भी सही मिलता है गाइज। आप भी आओ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने, हेमा ने तो कुकर लिया है, घर जाके आपको अपने ब्लॉग में दिखाई देगी कौन सा कुकर लिया है। और मैंने एक छन्नी लिया, छन्नी लिया स्टील की, जैसे धो के सब्जी उसमें काम आ जाती है, तो वैसे तो मेरे पास है, पर मेरा दिल की अब आई हूँ तो हेमा चीज ले रही और मैं ना लूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता ना, एक बहन ले और दूसरी बहन ना ले, तो इसलिए मैंने भी ले लिया है। तो अब देखते हैं, और कहीं विजय सेल्स जाते हैं, वहाँ जाके भी मुझे दो चार काम है, देखती हूँ। फिर ये छोटा सा ग्लास चाय पीने के लिए ले लें, ले लो नींबू पानी चाय है, दुनिया का सबसे छोटा गिलास है ना, सुंदर है ना भैया? ये किस काम आता है, बच्चे खेलते हैं क्या? टकीला शॉट, विस्की, अच्छा शराब का ये? राम 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 राम। आज मैं हेमा के साथ गई थी, हेमा लाई है कुकर, वो लाई है 3-ply वाला, तो मैं भी 3-ply का उस दिन वो लेके आई थी, कढ़ाई लेके आई थी, 3-ply की चाय सॉस, चाय बनाने वाला सॉस पैन लेके आई थी, तो आज वो कुकर लेके आई है, बहुत अच्छा कुकर है उसका, तो 3,000 के करीब है कुकर, वो भी लेस लगा हुआ था, तो हम लोगों को सस्ता पड़ गया। पिछली बार हम लेके आए थे, वैसे 3400 का था कुकर, अच्छा। हमने जाके बोल दिया, उनका भैया हम आपसे दो चीजें पर लेके गए थे, आपने 3 चीज के ऊपर लेस लगा लो, तो अभी तो लेके गया हफ्ता पहले, हाँ। तो कोई बात नहीं, चलो 3400 था, उसने लेस करके उसको 2900 कुछ का, सही है 400 रूपए बच गए, हाँ, मेरा दिमाग, वहाँ जाके मैंने बात की, कम थोड़ी है 400, हाँ 400 रूपए बहुत कुछ आता है, 400 रूपए में कुछ ये आ जाती है पूरी टोकरी, ये देखो गाइज मैं ये टोकरी लेके आई हूँ, मेरे पास टोकरी है, बट ये नीचे का है ना ये थोड़ा सा टूट गया था, तो रखने से क्या होता है वो अच्छे से पानी निकलता नहीं, ऐसे स्टैंड होता है तो निकल जाता है ना, तो एक मैं ये लेके आई हूँ, एक ये लेके आई हूँ, छोटी छोटी कटोरिया, जैसे ग्रीन चटनी, रेड चटनी सॉस, जैसे बच्चे हैं, अब आप तो ग्रीन खाते हो, चीना और कन्नू वगैरह तो ग्रीन, कन्नू और चीना तो रेड भी खाते हैं, हाँ तो ऐसी मैं दो ले आई, और ये दो एक जैसे लेके आई सारी, अच्छा ये लोकल कंपनी नहीं है, ये मिल्टन कंपनी के लेके आई, मिल्टन के, हाँ मैंने हटा दिया मेरी गलती का, कोई बात नहीं हटा के, दिक्कत देखो यहाँ देखो, ये देखो ये देखो मिल्टन, ये देखो ये मिल्टन, ये मिल्टन मिल्टन, हाँ ये लोकल भी आते हैं, ये लोकल भी आते हैं, मंगा बाजार में लोकल मिलते हैं, अच्छा। तो मैं लोकल ब्रांड के नहीं लेके आई क्योंकि मैं लोकल नहीं हूँ, तो मैं कैसे लेके आऊँ, सही बात है, तो ब्रांड हूँ, तो ब्रांड है, तो ये सब के सब मतलब की मतलब ब्रांड है ये सारे, उसके है मिल्टन कंपनी के, ये जो ब्रांड है ये वैसे ब्रांड है, और तू जो ब्रांड है यूनिक ब्रांड है,
यूनिक। मेरे जैसा तो कोई ब्रांड ही नहीं है। ये लाई हूँ मैगी खाने के लिए। अच्छा, गोलू तो खाते तो नहीं है। खाते ही नहीं है, फिर भी मुझे लगा कि चलो कुछ भी खा लेंगे। दुनिया फिर बोल दी गोलू। गोलू ने बोलना था। हाँ, मुझे नहीं कर लिया। गोलू बड़े दिन से मेरे साथ थी ना। अच्छा, तो मुझसे नहीं कर। कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, उसको मैं याद करती रहती हूँ। एक ये लेके आई, एक ये चीना। ओ डर गई, ये चीना के लिए। चीना के पास ना बहुत सारी लिपस्टिक है, छोटे में आ नहीं रही। कहती है इसमें लिपस्टिक डालूंगी, फिर ऐसे बंद कर देगी, सही रहेगी। और इसमें डालेगी अपने क्लिप्स वगैरह जो ये लेके आती है वो ले आएगी। और इसमें डालेगी जैसे फाउंडेशन, जैसे मेकअप शुरू करते हैं, जो जो मेकअप का सामान, सीरम, फाउंडेशन, ये वो प्रोटेक्टर, जो जो भी लगाती है सारा इसमें डाले। उसको ये पता होगा इसमें ये चीज़ है, इसमें वो चीज़ है, तो ये चीज़ लेके आए हैं गाइस। देखो मैं एक ये लेके आई हूँ, वंडर शेफ की न्यूट्री ब्लेंड, यानी कि छुट्टी मिक्सी। मैं बड़ी है ना, तो छोटी लाई। अब इसको हम खोलते हैं। कैसे खोलू? बिल्कुल, भगवान ने मुझे ही दिया सारा। तेरी माँ ने बादाम ज्यादा खिलाया तेरे को? हाँ, तो मैं अभी भी खाती हूँ। तो मेरी माँ ने नहीं खिलाया ना मेरे को? क्यों नहीं खिलाया? मूंगफली खिलाई। मूंगफली, मूंगफली में तो ज्यादा ताकत है। अच्छा, ये फट गया था, सारा डब्बा ना फट जाए। मेरे से फटा है? अच्छा, आपसे नहीं फटा। इसमें है चार चीजें। तू ही कह रही थी तो फटेगा। नहीं, ये देखो, ये मिक्सी है। अच्छा, जैसे कुछ भी बनाना हो, कुछ छोटा। हाँ, ग्राइंडर। हाँ, ग्राइंडर है। एक ये है। अच्छा, ये क्या है मुझे नहीं पता। ये है कुछ, ये चॉपर स्पाइस के। जब हम यूज, गाइस मैं यूज करूंगी ना तो आपको जरूर दिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, मेरे को, मैं देख लूँ क्या चीज है। ये है चॉपर, यानी कि टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन के लिए ये चॉपर है। और ये है जैसे हम शेक्स वगैरह बनाते हैं, बनाते नहीं है, बनाना शेक, एक गिलास, दो गिलास, एक गिलास कॉफी शेक, कोल्ड कॉफी है ना। और चीना मंग लेती है। सबसे बड़ी बात है, चीना को चाहिए था ये। अच्छा, ये है चीना का जूसर। जूसर कल लेके आना, कीनू, ऑरेंज, मौसमी लेके आना, तो चीना इसमें जूस निकाले। वैसे जो चीना इस वो सस्ता था, जिसमें दो थे, जिसमें दो होते हैं ना, वो सस्ता। अब तो लाने की जरूरत नहीं है। आज इतवार है, कल सोमवार है, परसों मंगलवार, सारा मंगलवार है। अरे मार की लगी है ना, शनिवार है। सनी 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 है, सनी है, सनी है, सनी है। ये है इसकी मिक्सी। ओके, ये है इसकी मिक्सी, छोटी सी, ब्लैक कलर की थी और रेड कलर की थी। हेमा कहती है रेड लेना है, रेड लेना, ब्लैक। फिर हेमा कहती है ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक ठीक है, रेड भी अच्छा लगता है ऐसे। नहीं, ब्लैक ठीक है, रेड अजीब सा लगता है। ये छोटी सी, ये जीरा भुना हुआ, जीरा भुना हुआ कर लिया छोटी सी। तो ये हमें चार मिली है अटैचमेंट्स। अच्छा, ये है मिक्सी, ये इसका ढक्कन, ये है हमारा जूसर, ये है हमारा चॉपर, और ये है हमारा कॉफी, बनाना, मैंगो शेक के लिए, ये सब है। ये सब के मुझे लगता है ढक्कन है। जब खोलेंगे ढक्कन ही होंगे और क्या? ढक्कन ही है। हाँ, क्या है, ढक्कन ही होंगे। हाँ, कवर है, कवर है उनके, कवर है, कवर है। उल्टा करेगा तो कवर रहेगा। हाँ, उल्टा करेगा कवर रहेगा। दो है ना? हाँ, अच्छा, एक इसका हो गया। हाँ, एक इसका हो गया, ये दो के हो गए। अब जैसे भी है, ये मिक्सी हो गई, ये हो गया, अच्छा है ना? अच्छा, ये आई है 3400-3500 रुपए की। अच्छा, और हम उनसे सामान लेते हैं ना विजय सेल से। तो मेरे कुछ पॉइंट्स उनके पास पड़े हुए थे थोड़े। अच्छा, से थोड़े से, तो कुछ पैसे मैंने डाले हैं, तो मैं मिक्सी उठा रही। अच्छा, जैसे उस दिन मैं वो लेके आई थी अपना, क्या लेके आई मैं, एयर फ्रायर। एयर फ्रायर, हाँ, एयर फ्रायर में भी उन्होंने 4000 रुपए दिए थे, हमारे 1200 रुपए लगे थे हमारा एयर फ्रायर। अब भी 1200-1300 रुपए लगे, हमारी मिक्सी बन गई। चलो, पड़े थे सामान लेने से फायदा की हमारे विजय सेल से लोगे तभी आपको मिलेगा, बाकी कहीं से नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये मैं चीना के लिए, चीना के जूसर ले, चीना को जूसर की जरूरत थी, तो मैंने कहा चलो। वैसे जब अकेला लेते हैं ना, तो ये सिर्फ दो चीजें हैं। अच्छा, ये चीजें 2600 कुछ की है। अच्छा, अगर ये चीजें चार और दो लेते हैं तो 3400 कुछ की है। फर्क तो 800-900 का था। चलो, इसी बारे करके सवाल बन गया। ठीक है ना गाइज, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं हेमा के साथ जब भी जाती हूँ, हर कोई
थोड़ा बर्बाद होके आता है, थोड़ा थोड़ा सामान लेके आता है। ज्यादा बर्बाद हो गया है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है कि ये बंदा शॉपिंग कर रहा है, अच्छा ये बंदा शॉपिंग कर रहा है, अच्छा मैं भी कर लूं। उसके बाद मैं जाके अपना लेंटर लगवा के किसी एयरिंग्स वाली दुकान पे जाती हूँ तो मैं अपना लेंटर लगा के आती हूँ। किसी जगह भी मैं चली जाऊँ, कहीं भी मैं चली जाऊँ, मुझे तो भेजा मत करो आप। तुम्हारा कोई भरोसा है? कोई बात नहीं, हमारा सामान देखो, तुम्हारा सामान तो बहुत सामान आएगा। जब तक हम है तब तक क्या गम है। सही बात है। ठीक है गाइस, अगर आपको कैसा लगा सामान मुझे बताना। ऐसी छोटी मोटी चीजें तो घर में आएंगी तभी अच्छा लगता है, अगर जाओ ना तो कुछ लेके ना हो तो क्या फायदा। गाइस मैं एक चीज और लेके आई हूँ विजय सेल्स से, तो अभी हम आपको नहीं दिखाएंगे, वो एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज किसके लिए है वो भी आपको कल पता चलेगा। तो अब हम देखते हैं, कल या परसों जब भी जैसे भी होगा, एक सरप्राइज है। तो चीना और मैंने प्लान किया था, मगर देखते हैं। आप कल का ब्लॉग आप देखोगे, उसके बाद अगला ब्लॉग आप देखना जरूर कि ये सरप्राइज किसके लिए आया है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम जब किसी को सरप्राइज देते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। तो वो सरप्राइज मैं दूंगी। क्या है ये? बहुत बड़ा सरप्राइज है ये? बड़ा हो छोटा हो, सरप्राइज सरप्राइज होता है। आपको भी नहीं बताएंगे? मेरे को नहीं बताया। नो हाँ। मैं लाई, किसी को नहीं बताएगी? सकता आपके लिए हो, मेरे को बताया। अच्छा चलो देखते हैं, देखते हैं। दो दिन, सिर्फ एक दिन की वेट करो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज का ब्लॉग गाइज यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। कल जो मेरा सरप्राइज है वो बिल्कुल जरूर देखना, कल वाला ब्लॉग नहीं जो परसों आएगा वो ब्लॉग जरूर देखना गाइज। तो बाकी आपको दिखाएंगे सरप्राइज है जो मैं दूंगी या चीना देंगी, देखो बाकी इनको भी नहीं पता है। तो मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।